आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी भूमिका उन्हें दी जाएगी उसे वे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, राम मंदिर देश के लिए सौभाग्य की बात है तो गंगा विकास की। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री उमा भारती अगले 1.5 साल तक राम मंदिर और गंगा के लिए काम करना चाहती हैं। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी काम उन्होंने दिया जाएगा उसे वे पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करती रहेंगी। अब मेरा 1.5 साल का पूरा फोकस राम मंदिर के निर्माण के लिए और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए रहेगा। मैं इस 1.5 साल में चुनाव प्रचार में जब पार्टी कहेगी मैं भाग लूंगी, विधानसभाओं के जो चुनाव आगे होंगे उसमें भी लूंगी, अगर 1.5 साल के अंदर आएंगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें भी लूंगी, और 1.5 साल के बाद जब भी मैं राजनीति में एक्टिव होंगी, एक्टिव राजनीति में, तो लोकसभा का चुनाव लड़के ही होंगी। अध्यादेश के लिए भी एक माहौल बनाना होगा, सकारात्मक माहौल बनाना होगा, और इन्होंने राहुल गांधी जी ने इतना नकारात्मक माहौल बना दिया है, और कपिल सिब्बल ने जो इंटरवेंशन किया कोर्ट में जाकर के कि 2019 तक इसके बारे में सुनवाई ही मत करिए, उसके बाद से कांग्रेस ने माहौल इतना खराब कर दिया है देश में कि अब कांग्रेस को ही पहल करनी पड़ेगी अध्यादेश के लिए भी माहौल बनाने के लिए। अध्यादेश की पहल सरकार की तरफ से होगी, लेकिन अध्यादेश को इस देश के लोग स्वीकार करें, उसको वेलकम करें, ये माहौल बनाना कांग्रेस की जिम्मेवारी है क्योंकि कांग्रेस ने माहौल खराब किया है। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को खासकर कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और अगले 1.5 बरस तक उनका फोकस राम मंदिर पर ही रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।